लगता है निर्णय हो गया नए षड्रिपु का। मां, अब तुम जागृत हो। तुम्हें उस बालिका के जीवन में ऐसा व्यवधान, ऐसा विघ्न डालना है कि वो अपने उद्देश्य तक कभी पहुंच न सके। ग्रस्त लेना उसके माता पिता को। ये मोह का ऐसा ग्रहण लगाएगा उसके माता पिता पर, उनकी हर गतिविधियों पर, उनके हर कार्य पर, हर निर्णय पर, उनकी हर भावना पर, कि वो बालिका अपने भक्तों, अपनी शक्तियों से दूर रह जाएगी और मानव शरीर में घुटकर रह जाएगी, कि वो कभी देवी बन ही नहीं पाएगी। असुर राजमूर्ति जय। असुर राजमूर्ति जय। असुर राजमूर्ति जय। कितने स्नेह से बनवाई थी ये पायल वैष्णवी के लिए। चम चम करती भागती रहती थी पूरे महल में। इतनी शीघ्र बड़ी क्यों हो गई? छोटी रहती तो कितना अच्छा होता। इधर उधर जाने की बात ही नहीं आती। हाँ, जब वो चली जाएगी तो तुम्हें यही सब सोचकर संतोष करना होगा। ऐसे क्या देख रही हो? संभाल कर रखो इन वस्तुओं को, उसकी स्मृतियों को। उसके जाने के बाद यही सब काम आएंगे दिन काटने के लिए। नहीं, हमारी पुत्री हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। किंतु कैसे ज्ञात नहीं, किंतु हमें ज्ञात है। अपने पुत्री की मोह में पड़कर वो उसे इस जीवन के उद्देश्य से दूर करना चाहती है। कुछ कीजिए नारायण। नहीं देवी, वो सब वैष्णवी को स्वयं करना है। ये उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। आज की सभा यही समाप्त होती है। अभी नहीं महाराज, महारानी नहीं, आज एक माँ आई है आपकी सभा में। महाराज, आप तो श्रीपुरम के महाराज हैं ना, सभी की समस्याओं का निवारण करते हैं, तो आज इस माँ की समस्या भी सुलझा दीजिए। उस माँ के संशय, उसके मन में चल रहे द्वंद से उसे मुक्ति दिलवा दीजिए महाराज।
उसके हृदय में उमड़ रहा अपराध बोध किस अपराध के लिए है उसे समझाइए महाराज, और दंड भी दे दीजिए उस अपराध के लिए। महारानी आप मत रोकिए महाराज, कहने दीजिए। महाराज, किसी व्यक्ति के मन में अपना घर अपना परिवार छोड़ने का विचार क्यों आता है? या तो उसे आर्थिक मानसिक शारीरिक कष्ट हो रहा होता हो, या उसके मन में किसी बात को लेकर बहुत बड़ा असंतोष हो, या फिर इन सभी के कारण उसके संबंधों की डोर टूटने लगती हो तो। किंतु यदि एक पुत्री के मन में अपनी माँ को सदा के लिए त्याग कर जाने की बात आती है तो उसमें दोष किसका है? उसकी माँ का। पुत्री तो अबोध है, यदि वो इतनी अल्प आयु में इतना बड़ा निर्णय ले रही है तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि उसकी माँ से त्रुटि हुई है, कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। हम नहीं जानते महाराज हमसे क्या त्रुटि हुई है, हमारी पुत्री हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती है हमें नहीं पता महाराज। बताइए क्या त्रुटि हुई है इस माँ से, कैसे करें इसका निवारण? कोई उत्तर नहीं है ना, किसी के पास भी उत्तर नहीं है। ज्ञात था हमें, ऐसे प्रश्नों से सभा मौन रह जाती है, किंतु आज ये सभा भी सुन ले, जब तक हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता हम यहां से नहीं जाएंगे। मत कीजिए, शांत हो जाइए माँ। एक बार हमारी तरफ देखिए तो। क्या कर रही हैं आप? महाराज रोकिए ने। आज समस्त श्रीपुरम को साक्षी रखकर हमें तुमसे एक वचन चाहिए कि तुम कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगी। जब तक तुम वचन नहीं दोगी हमें किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी है, सभा यहीं समाप्त होती है। महारानी समृद्धि का ऐसा संकीर्ण व्यवहार अनुचित है महादेव, मोह ने उनकी सोच को कुंद कर दी है। तू वैष्णवी से ऐसा वचन मांग भी कैसे सकती है? हम यूं नहीं बैठे रह सकते नारायण, हमें उसकी सहायता के लिए जाना ही होगा। वैष्णवी अभी तक एक बालिका है, उसे अपने शब्दों की शक्ति का भान नहीं, उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। वो मात्र एक बालिका नहीं है देवी, वो स्वयं एक देवी बनने वाली है, हमें उसे उसके निर्णय लेने में स्वतंत्रता देनी ही होगी, और हमें उनकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी तो आपका स्मरण करेंगी, आपसे निवेदन करेंगी। जब तक हम छोटों से छोटों जैसा व्यवहार करते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार छोटे ही बने रहते हैं, और जब हम उन्हें बड़ा मानकर उन्हें बड़ा दायित्व निभाने देते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। अब इच्छा आपकी है तो निर्णय भी आप ही का होगा।
माँ आपके होंठ सूख रहे हैं, चल ग्रहण कर लीजिए। हमने कब आपकी बात नहीं मानी? चलो वचन दो हमें कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। पिताश्री समझाइए ना माँ को, अपना हट त्याग दे। हम माँ को इस स्थिति में नहीं देख सकते, कुछ कीजिए ना। हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी क्यों रुष्ट होके बैठी हैं ये? आप इन्हें समझाइए ना पिताश्री, कृपा कीजिए पिताश्री। पुत्री आप वो अपनी माँ को दे दीजिए जो वो चाहती है। ना हम अपनी पुत्री को खोना चाहते हैं और ना ही अपनी पत्नी को। वैष्णवी पुत्री आप क्यों जाना चाहती हैं? मत चाहिए, दे दीजिए अपनी मां को वचन। एक और मां वचन मांग रही है कि हम उन्हें छोड़कर नहीं जाए शुरू। तो दूसरी ओर से देविया कह रही है कि हमें जाना ही होगा, करे तो क्या करे, किसकी सुने? हम दोनों में से किसी को निराश नहीं कर सकते और माँ को इस अवस्था में हम छोड़ नहीं सकते। उस मौसम की रक्षा कैसे करे शेरू? पता चल गया। अब हमें ज्ञात है कि हमें क्या करना है। वैष्णवी ने अपने सर से चुनरी क्यों हटा दी? कहीं उसने कोई निर्णय तो नहीं ले लिया? शेरू हमने सोच लिया है, हम माँ को वचन दे देते हैं जो भी उन्हें चाहिए। नारायण यदि ऐसा हुआ तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे, हमारा ध्येय कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। बात इतनी गंभीर है और नारायण इसे इतनी सहजता से ले रहे हैं। माँ, समृद्धि आंखें खोलिए, आंखें खोलिए समृद्धि। समृद्धि देखिए वैष्णवी आई है, देखिए। माँ पर हमें देखिए तो माँ, आपको जो भी वचन चाहिए हम दे देंगे माँ। समृद्धि
वचन। माँ आप रुष्ट होती है तो सारा छक हमसे रुष्ट हो जाता है। आपको पीड़ा में देखते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, किंतु जब वह फंसती है तो महल का कोना कोना हंस पड़ता है। जब हम छोटे थे ना तब भी हम आपके स्पर्श के लिए तरसते थे और आज भी तरसते हैं माँ। एक बार मुस्कुरा दीजिए ना माँ, यहाँ से हमारे सर पे हाथ रख दीजिए ना माँ। हमने कभी भी आपकी कोई बात नहीं टाली है माँ, कभी आपके किसी निर्णय पर हमने कोई प्रश्न नहीं किया, हट नहीं किया। आपने जब जो कहा हमने माना ना माँ। कभी आपकी कई बातों का बुरा नहीं लगा क्योंकि आप माँ हैं, आप कभी भी कुछ अनुचित कर ही नहीं सकती। ईश्वर से भूल हो सकती है लेकिन कभी भी माँ से नहीं हो सकती। आपसे नहीं, कभी नहीं। इसलिए हम आज भी आपकी आज्ञा मानेंगे माँ। आपने जो मांगा है हम आपको देंगे माँ। की पुत्री राजकुमारी वैष्णवी आपको वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद कभी रुको। ये कैसे हुआ नारायण, ये सब संभव कैसे हुआ? वैष्णवी ने आपके परामर्श को शस्त्र बनाया और मोह को निस्वार्थ प्रेम से पराजित किया। परंतु कैसे नारायण? जो अपनी मां के लिए अपना दैवित्व त्याग दे ऐसा निस्वार्थ सच्चा प्रेम और कहां होगा? जहां पर सच्चा प्रेम होता है वहां पर मोह का कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं अपनी भूल का भान हो गया है पुत्री, हमें क्षमा कर दो। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं माँ? आपने जो भी किया हमारे प्रेम वश से किया माँ, ये तो माँ की एक सच्ची ममता है। समृद्धि माँ चल बहन कीजिए। अभी नहीं, तो क्यों माँ? उससे पूर्व हमें वचन दो। तुम अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण करोगे। जी मां अवश्य पूरा करूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। राजे शीघ्र ही हमारी पुत्री अपनी दिव्य यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी।
समस्त श्रीपुरम को सूचित करके एक उत्सव का आयोजन करना चाहिए। अवश्य।